गुड आफ्टरनून एवरी आज मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ और न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैंने आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ न्यूमेरिकल्स और फंडामेंटल सिखाए लेकिन अभी कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने बाकी हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े और क्वेश्चन आज देख लो विलासिटी ऑफ अ कार मूविंग ऑन स्ट्रीट रोड इज गिवेन एज वी इक्वल्स वन बाई सेवन सेव बाई थ्री टी वे वी इज इन मीटर पर सेकेंड एंड टी इज इन सेकेंड फाइंड आउट एक्सेलेशन ऑफ द कार एट टीवल्स वन से बच्चों देखो कैलकुलस को इसमें कैसे इस्तेमाल किया जाएगा आपको मैं पूरी इकॉनमेटिक्स पढ़ा चुका हूं वहां पे आपने ये थ्योरी पढ़ी ड्यूरिंग वन डायमेंसनल मोशन देखो स्ट्रेट रोड पे जा रही है आई मीन स्ट्रेट लाइन पे चल रही है ये वन डायमेंसनल मोशन का कॉन्सेप्ट लगता है तो वन डायमेंसनल मोशन में एक्सेलरेशन का फार्मूला कैसे पढ़े हो डी बाई डी टी पढ़े हो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऐसे पढ़े हो तो निकालना है जब टाइम के रीडिंग वन सेकेंड हो जाएगी सोल्यूशन देखो गिवेन दैट वी इक्वल्स वन बाई सेवन सिक्स फाई बाई थ्री टी इंस्टेंटेनियस एक्सी इंस्टेंटेनियस एक्सेरेशन एक्वल्स डी वी बाई डी टी डी टी ऑफ वी वी को ब्रैकेट में लिख डालो अब इसका डिफ्रेंसर पड़े हो बच्चों इसमें जो एक्सटर्नल कॉन्सटेंट होता है इसको बाहर निकालती हो देखो बाहर आ गया क्या मिलेगा डी डी टी ऑफ सिक बाई थ्री टी और पाई बाई थ्री इंटरनल कॉन्सटेंट है आपको सिखाया हूँ कि उसको कॉपी पेस्ट करते हो फिर सेक एक्स का फार्मूला जैसे डी डी और डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स पढ़े हो सेक एक्स इंटू टेन एक्स फार्मेट वही मेंटेन करना है बट इंटरनल कांस्टेंट को साथ में लिखना है इसको परमानेंटली रिमूव नहीं करोगे, केवल कॉपी पेस्ट करोगे तो ये उसका डिफरेंशियल हो गया इसको सिंप्लीफाई करोगे फाइव बाई ट्वेंटी वन आएगा तुमको ये जो एक्सलेशन पूछा था वो टी इक्वल्स वन से पूछा था तो जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ वहाँ वन पुट कर दो वन पुट कर दो देखो टी की वैल्यू वन टी की वैल्यू वन और पाई बाई थ्री टेन पाई बाई थ्री पाई बाई ट्वेंटी वन रिपीट कर डालो इसके न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करो इन दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू सिंप्लीफाई करो कुछ इतना आएगा तो जो एक्सलेशन पूछा है उसका आंसर आएगा टू रूट थ्री स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी एम इक्वल्स ए कोसेक बी क्यू ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स एंड क्विज क्वानिटी ऑफ द फैट एबजॉर्ब बाई आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू क्यू वेन क्यू इक्वल्स pi अपॉन फोर बी बच्चों आपको डिफरेंशियल कैलकुलस मैंने ये सिखाया जो डिवाइड बाई डी एक्स होता है वो एक तरह का रेट होता है आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू क्यू तो कैलकुलस में इसको डी एम बाई डी क्यू लिखोगे तो डी एम बाई डी क्यू निकालना है जब क्यू की वैल्यू इतनी हो जाएगी सो गिवेन दैट एम इक्वल्स एक को बी क्यू उसको रिपीट कर डालो डी एम बाई डी क्यू डी डी क्यू ऑफ एम एक्सटर्नल कॉन्सटेंट टेक एन आउटसाइड देन वी हैव डीडी क्यू ऑफ कॉसैक् बी क्यू अब ये जो इंटरनल कॉन्सटेंट है उसको कॉपी पेस्ट करते हो जैसे कॉस एक्स का डिफ्रेंशियल आप पड़े हो माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स वही फॉर्मेट मेंटेन करो बट बी को मैंटेन रखो यहाँ पे बी यहाँ भी रहेगा बी यहाँ भी रहेगा b को कॉपी पेस्ट किया माइनस लगा दिया अब इसको आपस से मल्टीप्लाई कर डालो, डे एम बार डी को कुछ ऐसा आएगा फार्मूला तो बना लिया आपने लेकिन आपको डे एम बार डी क्यू की वैल्यू तब निकालनी है जब क्यू की वैल्यू पाई अपॉन फोर भी होएगा, तो आप इस फार्मूले में जहाँ जहाँ क्यों लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पाई अपॉन फोर भी पुट कर डालो यहाँ रख दो यहाँ भी रख दो b को b से कट करो क्यू की वैल्यू दोनों जगह पुट कर डाला b को b से कट कर डाला तो आता है माना से बी कोशिकाई बाई फोर इंटू कॉट पाई बाई फोर कोशिक पाई बाई फोर की वैल्यू पुट कर डालो रूट टू काट पाई बाई फोर इज वन सो तो डी एम आर डी क्यू की ये वैल्यू इतनी आ गई ये तुम्हारा आंसर हो गया बच्चों आप देख रहे हो कि कैलकुलस कैसे फिजिक्स में इस्तेमाल हो रहा है वन मोर क्वेश्चन सपोज द डिसमेंट ऑफिकल एक्स इन मीटर टू टी स्क्वायर प्लस फोर साइन फाइव बाई थ्री टी प्लस टू लॉक टी टी इज इन सेकेंड फाइंड आउट ब्लास्ट वन से बच्चों वर्डल मोशन का क्वेश्चन है क्योंकि डिसप्लेसमेंट में सिर्फ एक्स क्वारट की वहन है एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी तो पार्टिकल स्टेट लाइन पे जा रहा है उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है जब टी की वैल्यू वन से एक होगी तो वन डायमेंशनल मोशन में आपने थ्योरी क्या पढ़ी कि ब्लास्ट इज डिफाइंड एज डी एक्स बाई डी टी तो वही फार्मूला आप इस्तेमाल करो और इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करो v क्वस्ट डी एक्स बाई डी टी दैट इज डी डी टी ऑफ एक्स एक्स की कंप्लीट वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में रखो फिर आपने पढ़ा है कि जो डिफरेंशियल होता है वो प्लस और माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो डी बाई डी टी होगा वो इन तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आई मीन डी डी टी ऑफ टू टी स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ फोर साइन फाइव बाई थ्री टी प्लस डी टी ऑफ टू लॉक टी जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव आएगा फोर टी लिख डालो इसमें फोर को बाहर निकालो फाइव बाई थ्री को कॉपी पेस्ट करो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है वाली थ्योरी लगा दो उसी तरह से टू को बाहर निकालो लॉक टी का वन बाई टी होता है लॉक टी का वन बाई टी होता है ये हो गया टू बाई टी अब ये जो क्वांटिटी आप निकाले हो टी की वैल्यू वन सेकेंड पोट का डालो सो पोट या टी प्लस वन पोर्ट या टी प्लस वन पोर्ट या टी प्लस वन और ये जो कुछ भी मिलेगा इसको सिंप्लीफाई करो इतना कुछ आएगा इसको थोड़ा और सिम्प्लीफाई करो ये आएगा ब्लास्टी निकाले हो। तो वो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड तो ब्लास्टिक सॉल्व हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन द पावर डिलीवर टू अ मशीन बाय एक्सटर्नल सोर्सेस कैपिटल पी इन वॉट टू इंटी पावर फोर्टी साइन पाइटी बाई टू प्रैक्टिस टाइम इन सेकेंड्स फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर पी विथ रिस्पेक्ट टू टी एट टी प्लस ऑफ सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर निकालना है टी के रिस्पेक्ट में बच्चों इसका मतलब क्या हुआ डी पी बाय डी टी चाहिए जब टाइम का रीडिंग वन बाई टू सेकेंड हो जाएगी तो पावर पी का जो गिवेन्ट फार्मूला है उसको रिपीट कर डालो आप देखो यहाँ पर एक्सपोनशियल फंक्शन है ये साइन फंक्शन है ये दोनों दो अलग अलग फंक्शन है और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया है तो जब डी पी बाई डी टी निकालना होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो प्रोडक्ट रूल का पहले फार्मूला यहाँ पे रिवाइज कर लो इफ वाई इक्वल्स यू वी देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स यू टाइम्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी टाइम्स डी यू बाई डी एक्स ये मैंने आपको पढ़ाया था पिछले एपिसोड में ये फार्मूला यूज़ करने जा रहे हो तो जो यू है ई पावर फोर्टी को मानूँ जो वी है वो साइन पार्टी बाई टू को मानूँ और ये जो टू कांस्टेंट है उसको शुरू से ही बाहर निकाले रहो तो यू और वी मैंने यहाँ पे मान लिया अब मैं निकालने जा रहा हूँ रेट डी पी बाई डी टी डी टी ऑफ कंप्लीट फंक्शन नाउ टू टेकन आउट साइड डी डी टी ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस यू नो दिस इज़ यू एंड दिस वन इज़ वी देन व्यू आर गोइंग टू अप्लाई प्रोडक्ट रोल सो फर्स्ट फंक्शन इंटू डरवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डरवेटिव ऑफ फर्स्ट अब जो रेटे हुए फार्मूले उसको अप्लाई करो बच्चों साइन एक्स का कॉश एक्स पढ़े हो लेकिन इंटरनल कॉन्सलिंग को कापी पेस्ट करते हो और ये काश एक्स जैसे यहाँ पर लिख डालो इजिट और ये पहले से बाहर लिखे हो उसको रिपीट कर डालू इसको रिपीट कर डालू अब ये इसमें जो इंटरनल कांस्टेंट होता है उसको पहले कॉपी पेस्ट करती हो फिर ई पावर एक्स को ई पावर एक्स लिखती हो लिख डालो अब इस पूरे को थोड़ा सिंप्लीफाई करो कुछ कॉमन आएगा ई पावर फोर्टी कॉमन आएगा कॉमन ले लो जो बचा उसको लिख डालो तुम्हारे क्वेश्चन में टी का वैल्यू वन बाई टू सेकेंड दिया हुआ है तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वन बाई टू पुट कर डालो देखो टीक वैल्यू यहाँ भी रखोगे वन बाई टू फिर यहाँ लिखोगे वन बाई टू फिर यहाँ भी लिखोगे वन बाई टू अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो ये कॉस पाई बाई फोर होगा फाइ बाई टू रिपीट करो कॉस फाई बाई फोर इज वन बाय रूट टू दिस जैसे साइन पाई बाई फोर अगेन वन बाय रूट टू इन टू फोर अब इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा कामन निकालो टू रूट टू निकाल लो टू को रूट टू से डिवाइड कर डालो ब्रैकेट में इतना बचेगा चेक कर लेना ये सब तुम कर सकते हो कितना आंसर आ गया यूनिट कैसे डिसाइड करोगे डी का मतलब स्मॉल चेंज इन पार जो पार होता है वाट में होता है तो डी का यूनिट तो वाट होएगा डी टी है स्मॉल टाइम इंटरवल सेकेंड्स में होएगा फिर जो डी पी बा डी का रेशियो आएगा ऐसा यूनिट आएगा वाट पर सेकेंड तो रेट टॉप चेंज ऑफ आप पार आपने निकाल लिया टी की वैल्यू पुट कर दिया या आपका आंसर है बच्चों फिजिक्स में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें कैलकुलस अप्लाई करना पड़ता है स्कूल लेवल पे ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं बट कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं वन मोर क्वेश्चन बच्चों ये मैं आपको अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम टू उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एफिशियंसी ऑफ ह्यूमन ब्रेन ईटा इक्वल्स एस इन टू बी इक्वल्स फोर ई रूट टू थीटा इक्वल्स टू लॉक थ्री थीटा टू द बेस सी, थीटा इक्वल्स रूम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा इज फिफ्टी डिग्री सेल्सियस जब भी रेट की बात होगी तुमको डिफेंसियट करना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ईटा विद रिस्पेक्ट टूथा आई मीन डी बाई डी थीटा तो यहाँ पे गिवेन यूज किया है। और आप पहले से जानते होगे, फिजिक्स में होता है। और यूनिट लेस होता है ये यूनिट लेस और डायमेंशनल लेस क्वान्टिटी होता है और यहाँ पे जो वी है और जो है सेन की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है और इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो तब निकालना है जब थीटा फिफ्टी डिग्री हो गया याद रखना ईटा इज अ डायमेंसन लेस क्वान्टिटी एस इज गिवेन वी इज गिवेन एंड ईटा इक्वल्स एस इन टू वी एस इंटू वी की वैल्यू पुट कर दिया अब तुम जरा इसको देख कर सोचो कि तुम इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर पाओगे ओबियसली इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए तुम्हें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा टीटा तो को एस वी लिखे हो डी टावर डी थीटा निकालना है तो प्रोडक्ट रूल का फार्मूला लगा दो फर्स्ट फंक्शन इंटो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अब एस और वी की वैल्यू यहाँ पे ला के रख दो, देखो ला के रख दूँ देखो एस यहाँ रखा देखो डी डी थीटा वी यहाँ लिखा फिर वी को यहाँ लिखा डी डी थीटा टॉप एस यहाँ लिखा अब डिफ्रेंश करो टू को बाहर निकाला इंटरनल कांस्टेंट है कॉपी पेस्ट किया लॉग एक्स का वन बाई एक्स होता है लिख दो टू कांस्टेंट है बाहर निकाला लॉक थ्री थीटा पहले से बाहर है लिख दो अब इसको डिफ्रेंसीट करो फोर को बाहर निकालो इंटरनल कांस्टेंट रूट टू तो को कॉपी पेस्ट करो और ई पावर को ई एक्स लिख डालो अब इसको पूरे को सिंपलीफाई करो इतना कॉमन आएगा देख लो इतना बचेगा देख लो अब थीटा की वैल्यू फिफ्टी दिया है जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ फिफ्टी रख दो देखो तीनों जगह पे थीटा की वाली मैंने फिफ्टी रख दी रख दिया थोड़ा इसको और सिंपलीफाई करो बच्चों इसका यूनिट पर डिग्री सेल्सियस क्यों आएगा क्योंकि ईटा एक डायमेंशनलेस क्वानिटी है तो स्मॉल चेंज इन ईटा ये भी डायमेंशनलेस लेस होएगा स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा तो डी ईटा व डी थीटा का यूनिट क्या आएगा फा डिग्री सेल्सियस आएगा यह आपका आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गिवेन इक्वल्स यू वाई वी वेर यू इक्वल्स अंडर रूट टू एक्स एक्स इक्वल्स हंडर उवन बाई थ्री माइनस वन फाइंड डिवाइड बाई डी एक्स बच्चों ये डिवाइड करा गया है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रूल लगाओगी डिवाई बाई डी एक्स आई मीन डी डी एक्स ऑफ यू बाई वी क्वेश्चन रूल का ये फॉर्मूला ऐसे पढ़े हो कैसे पढ़े हो डोमिनेटर यू पुट डिनोमिनेटर स्क्वायर फिर डिनमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ नूमिनेटर माइनस नूमनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनिनेटर यही पढ़े हो आप अब इसमें यू और वी की वैल्यू पुट कर डालू और पुट करके निकालू देखो यहाँ वी की वैल्यू पुट किया फिर वी को यहाँ रिपीट किया फिर यहाँ यू पुट किया फिर यहाँ यू पुट किया और यहाँ वी की वैल्यू रख दिया अब डिफ्रेंशिएट करना है तुमको इसको रिपीट करो रूट टू टाइम सेवन एक्स को डिफ्रेंशिएट करो रूट टू बाहर निकालो सेवन को कॉपी पेस्ट करो और tan एक्स का से एक स्क्वायर एक्स रटे हुए लिख डालो ये तो पहले से बाहर है लिख डालो एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगा दो लुक एन इन टू एक्स पावर एन माइनस वन दैट इज फोर बाई थ्री फिर माइनस डी डी एक्स ऑफ वन क्या होएगा जीरो या लिख डालो ज़ीरो इसमें से जो कॉमन मिलेगा कॉमन ले लो जो सिम्प्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई कर लो ये कॉमन रहेगा बाहर निकाल डालो ये सब तुम खुद से कर लेना करोगे तो ये तुम्हारा आंसर आएगा

डिंग टू पैरामेट्रिक रूल वाई वाई इज फंक्शन ऑफ टी ऑन एक्स जी ऑफ टी देस कैन बी रिटर्न एज डी बाई डी टी अपन यही पढ़ाया हूँ तो डी डी टी ऑफ वाई यहाँ रख दो डी डी टी ऑफ एक्स यहाँ रख दो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो फोर बाहर निकालो फाई बाई थ्री को कापी पेस्ट करो और साइन एक्स का कॉस एक्स लिख डालो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा दो प्लस पे डी टी को तीनों टर्म पर डिस्ट्रीब्यूट करा दो फोर्टी स्क्वायर का आएगा एट एग टी इसका आएगा वन बाई टू टी पॉर हाफ माइनस वन और वन का आएगा ज़ीरो प्यारे बच्चों आपने बहुत आसानी से निकाल लिया थोड़ा इसको रिपीट कर डालो रिपीट कर लो क्वेश्चन में टी का वैल्यू वन यूनिट दिया है यहाँ पे वन लिख दो यहाँ भी वन लिख दो इसको सॉल्व करो इतना आएगा थोड़ा सिंप्लीफाई करो इतना आएगा वन मोर क्वेश्चन रूट फोर्टी प्लस टू टी फाइन डीवाई बाई डी टी थर्टी प्लस फाइव बाई दिस देखो बच्चों इसमें दिक्कत क्या है इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम इस रूट की वजह से आएगा अगर ये रूट ना होता तो ये दोनों टर्म अलग अलग डिफ्रेंसीट हो जाते तो ये रूट जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसी के लिए आपको चेन रूल पढ़ाया गया है अब चेन रूल इसको डिफ्रेंशियट करने में कैसे इस्तेमाल होगा देखो नाउ सपोज जेड इक्वल्स फोर्टी प्लस टू टी अगर इसको जेड मान लिया जाए तो की वैल्यू अंडर रूट जेड हो जाएगा फिर डिवाइड बाई डी निकालने के लिए एक चेन डेवलप करो डिवाइड बाई डी जेड इन टू डी जेड बाई डी मैंने क्यों लिखा क्योंकि वाई जेड का फंक्शन है तो वो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो मैंने डिवाइड बाई डी लिख दिया और जेड टी का फंक्शन है तो जेड टी में डिफ्रेंसीट होगा तो उसको डीजेड बाई डी लिख दिया डी जेड डी जेड कैंसिल आउट होगा फाइनली डिवाई बाई डी मिलेगा तो मैथमेटिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आपने ये चेन को सही तरीके से डेवलप किया अब डिवाई बाय डी जेड अलग निकालो वाई की वैल्यू ब्रैकेट में ला के रखो सेपरेट निकालो वाई को ला के रखो रूट जेड को जेड पावर हाफ लिखते हो एक्स पावर एन जैसा फॉर्मूला लगेगा एन इन टू एक्स पावर एन माइनस वन ये इतना आएगा अब डिजेड बाई डी टी निकालो जेट की वैल्यू ब्रैकेट में ला कर रखो फोर्टी को फोर्टी पावर वन लिख सकते हो यहाँ भी एक्स पावर एन का फार्मूला लगा दो देखो 1 वन इन टू टी पावर वन माइनस वन साइन टू टी का तुमको सिखाया गया टू बाहर आएगा टू कॉपी पेस्ट होगा और साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो इतना आएगा और इसको टी पावर ज़ीरो को वन लिखोगे खाली फोर बचेगा इतना आएगा दोनों के वैल्यू निकाल चुके हो अब तुम डिवाई बाई डी पे चले जाओ डिवाई बाय डी जेड ला के रख दो डी जेड बाई डी टी ला के रख दो फाइनली बच्चों जेड आपने सपोज किया है जेड आपके क्वेश्चन में पहले तो था नहीं तो से लिखते वक्त जेड की वैल्यू री सब्सटीट्यूट करना होगा डी सब्सटीट्यूट करो ड्रेस दो पार माना साफ इतना करने के बाद तुम्हारे क्वेश्चन में टी का वैल्यू दिया है पाई बाई सिक्स एज इट तो जहाँ जहाँ टी दो लो पाई बाई सिक्स या फाई बाई सिक्स या फाई बाई सिक्स अब इस पूरे को सॉल्व करो मैं हर बार ये तुम्हारे पे छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि तुम इतने इंटेलिजेंट तो ज़रूर हो कि ये सब कर ही ले जाओगे इसको आप सॉल्व कर लो कुछ इतना आएगा फिर कुछ इतना आएगा फिर कुछ इतना आएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा देखा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं कैलकुलस कैसे यूज हो रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गिवेन वाई इक्वल्स साइन ऑफ फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू फाइन डिवाइड बाई डी एक्स आठ एक्स इक्वल्स टू गिवेन दैट इक्वल्स रिपीट कर डालू देखो बच्चों प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह है कि अगर यहाँ खाली फोर एक्स होता स्क्वायर ना होता माइनस टू ना होता खाली फोर एक्स होता तो इसको हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना सीखे हुए स्क्वायर ने प्रॉब्लम क्रिएट किया माइनस टू ने प्रॉब्लम क्रिएट किया अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का मेथड रूल होगा। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो ब्रैकेट में है इसको जेड मान लो अगर उसको जेड मान लेते हो तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर साइंस जेड तुम्हें चाहिए क्या है डिवाई बाई डी एक्स मगर वाई को तो जेड में करोगे और जेड को एक्स में करोगे। तो यहाँ लिख डालो डिवाई बाय डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स सही क्वेश्चन वन चेन रूल अब इसको अलग से निकालो इसको अलग से निकालो फिर उनको मल्टीप्लाई करो डी वाई बाई डी जेड डी डी जेड ऑफ वाई दैट इज फोर कॉस जेड अब तो स्पीड में समझ रहे होंगे. अब तो फॉर्मूले रट जाने चाहिए फोर कॉस जेड होगा जेड आपने सब कुछ करा था तो जेड की वैल्यू रि सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी नाउ दिस इज इक्वेशन टू देन फाइन डिजेट बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगा दू इसका डेरिवेटिव आएगा एट एक्स टू का आएगा जीरो फाइनली आएगा एट एक्स इक्वेशन नंबर थ्री फ्रॉम इक्वेश्स वन टू एंड थ्री वी हैव अब तीनों इक्वेशन को मर्च करो मर्च करोगे तो डिवाइडेड एक्स की वैल्यू इतनी आएगी वो जो दो अलग अलग टर्म निकालो उनको ला मल्टीप्लाई कर दो सिंप्लीफाई कर लो बच्चों आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है यू शुड फाइंड क्स एज टू तो जहाँ जहाँ एक्स दिखता होगा वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू टू रखनी होगी यहाँ रख दिया टू फिर यहाँ भी रख दिया टू फिर इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा सिक्सटी फोर पास फोर्टीन ये तुम्हारा आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन गिवेन वाई पल्स एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर ए एंडी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स फाइंड वाई मैक्स आर वाई मिनिमम विच एवर इज पॉसिबल ये मैक्सिम मिनिमम का क्वेश्चन हुआ थ्योरी क्या पढ़े बच्चों फॉर वाई टू बी मैक्सिमम आर मिनिमम डिट बी जीरो ऐसी पढ़े हो तो डिडेक्स ऑफ वाई इक्व जीरो डिफ्रेंशिएट करो ए को बाहर निकालो और एक्स का एक्स में वन आएगा माइनस बी को बाहर निकालो और एक्स स्क्वायर का एक्स में टू एक्स आएगा इट फिर इसको कर दो जीरो फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू सॉल्व करो सॉल्व करने पर एक्स आते वाई टू बी मैं थ्योरी में पढ़ाया हूँ ये जो एक्स की वैल्यू निकाली जाती है वो एक्स की क्रिटिकल वैल्यू कही जाती है इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि एक्स कि इस वैल्यू पर वाई या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा शुरू में हमें कुछ नहीं पता तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि सेकेंड डेरिवेटिव का साइन निकालो सो यू शुड फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू दैट इज डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू ला के रख दो डिफ्रेंसीट करो ए का जीरो और इसका आएगा माइनस टू बी और एक्स का वन फाइनली हुआ है माइनस टू बी बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट है वो एक्स पे डिपेंड नहीं किया वो भी निगेटिव आए एक्स पर डिपेंड नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की हर एक वैल्यू पर सेकेंड डेरिवेटिव हमेशा माइनस टू भी रहेगा फिर एक्स की इस वैल्यू वैल्यू पर माइनस टू भी माना जाएगा और तो मानस टू भी एक नेगेटिव क्वांटिटी है आपका कमेंट होगा कि सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो एट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वी कैन से एट एक्स इक्वल सी वाई टू बी वाई विल बी मैक्सिमम बच्चों थ्योरी में यह पढ़ाई गई अगर किसी पॉइंट पर सेकेंडरबेटिव निगेटिव आता है फिर तुम्हारा फंक्शन मैक्ममम होता है तो फंक्शन वाई है एक्स की इस वैल्यू पर वाई की वैल्यू मैक्मम होगी दैट इज वाई मैक्स वाई मैक्स कैसे निकालोगे बच्चों यह जो वाई का फॉर्मूला है वो एक्स की क्रिटिकल वैल्यू ला के पुट करोगे टैक्स की क्रिटिकल वैल्यू यहां पे लाके पुट कर डालो। देखो किया यहां भी किया अब इसको सिंप्लीफाई करो आता स्क्वायर बाई फोर बी वाई मैक्स का आंसर आएगा ए स्क्वायर बाई फोर बी गॉड इट नेक्स्ट क्वेश्चन

इट कम्स आउट एट एक्स महाराष्ट्र टू इक्व जीरो इसको सॉल्व करो दिन एक्स इक्व टू बाई एट डेट इज वन बाई फोर क्रिटिकल वैल्यू तो मैंने एक्स की क्रिटिकल वैल्यू निकाल डाली बच्चों देखो अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालो डिडेक्स ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ब्रैकेट में रखो इसको डिफ्रेंशिएट करो एट आएगा बच्चों ये भी कॉन्स्टेंट आया मतलब क्या ये सेकेंड डेरिवेटिव एक्स पर डिपेंड नहीं करेगा कांस्टेंट रहेगा वो भी पॉजिटिव रहेगा टैक्स की हर एक वैल्यू पर ये पॉजिटिव ही रहेगा टैक्स की इस वाली वैल्यू पर भी वो पॉजिटिव मेंटेन रहेगा तो कमेंट होगा कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज ग्रेटर दैन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स एन्स वी कैन सी दैट एट एक्सल्स वन बाई फोर वाई विल बी मिनिमम बच्चों थ्योरी पढ़ाई गई है कि जिस पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है उस पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव सॉरी वाई की वैल्यू क्या होती है मिनिमम होती है तो कंफर्म हो गया कि तुम्हारे क्वेश्चन में वाई मिनिमम होगा तो वाई मिनिमम होगा तो करना क्या होगा जहाँ जहाँ फार्मूले में एक्स था वहाँ वहाँ वन बाई फोर रखना होगा सो यरक्स रिप्लस बाई वन बाई फोर ये एक्स रिप्लेस बाई वन बाई फोर और सॉल्व करने पर कितना आएगा माइनस वन बाई फोर एन वन मोर क्वेश्चन प्रूव दैट फॉर द गिवेंट पेरीमीटर स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया बाउंडेड कैसे करोगे इसको सपोज वी हैव अ रेक्टेंगल बच्चों इसको करने के लिए शुरू में रेक्टेंगल लेते हैं रेक्टेंगल में एक्स को लेंथ मानो वाई को ब्रेड मानो अगर आप रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड डिफाइन करते हो तो उसका पेरीमीटर कितना होगा रेक्टेंगल का टू एक्स प्लस टू वाई होगा टू कॉमन आएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है बच्चों कि एक्स और वाई तो वेरेबल होंगे दो अलग अलग मगर पेरीमीटर एक कॉन्स्टेंट है ये जो फिजिक्स में लैंग्वेज यूज होती है गिवन पेरीमीटर मतलब ये यूनिक माना जाता है और इन्हीं क्वांटिटी को कांस्टेंट करते हैं तो ये जो पेरीमीटर दिखाए हो, वो गिवन का मतलब ये कांस्टेंट मानोगे और एक्स को लेंथ मानोगे वाई को ब्रथ मानोगे तो अब कहा गया है कि अगर वो गिवन पेरीमीटर का अगर कोई रेक्टेंगल है तो अगर वो स्क्वायर होगा तो उसका एरिया मैक्सिमम आएगा अब तो उस रेक्टेंगल का बाउंडेड एरिया निकालो तो बाउंडेड एरिया का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा एक्स इंटू वाई इक्वेशन वन से वाई की वैल्यू पी और एक्स में कन्वर्ट करो कैसे करोगे बच्चों टू से डिवाइड करो और एक्स को ट्रांसफर करो तो वाई कितना आएगा पी बाई टू माइनस एक्स आएगा यहाँ वाई की वैल्यू लाके पुट पोट कर डालो ये हो गया तुम्हारा बाउंडेड एरिया और एट? अब एरिया को मैक्सिमम या मिनिमम होने की थ्योरी क्या होनी चाहिए मुझको मैक्सिमम एरिया दिखाना है ना? इसको मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा जीरो तो मैक्स को अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर डालो फिर एक वैल्यू ला के यहाँ पे रखो देखो एक वैल्यू पुट किया डिफ्रेंशिएट करो इक्वल टू जीरो करो इसका डेरिवेटिव पी बाई टू आएगा इसका टू एक्स आएगा जीरो किया सॉल्व किया x आता है पी बाई फोर एक्स की सिंगल वैल्यू आती है तो इसको सिंगल क्रिटिकल वैल्यू कहेंगे अब सिर्फ सिंगल क्रिटिकल वैल्यू पर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन टेस्ट करो डी टू ए बाई डी एक्स टू डेट तो इज डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेवेटिव तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो की वैल्यू ब्रैकेट में ला के रखो इसको उठाओ ला के रखो क्वेश्चन के मुताबिक ये कांस्टेंट है जीरो होगा और माइनस टू एक्स का क्या आएगा माइनस टू फाइनली यू हैव माइनस टू आमीन ए का सेकेंड डेरिवेटिव साइन क्या आएगा नेगेटिव। तो आपने क्या प्रूफ किया बच्चों कि जो कैपिटल ए का सेकेंड डेरिवेटिव होगा वो लेस देन ज़ीरो होगा आमीन नेगेटिव होगा अच्छा ये जो सेकेंड डेरिवेटिव निकाले हो तो एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा तो एक्स की हर एक वैल्यू पर ये नेगेटिव ही रहेगा हर वैल्यू पर रहेगा तो फिर इस वैल्यू पर भी नेगेटिव ही रहेगा ऐसे ही करते हैं कमेंट क्या लिखोगे ए विल बी मैक्सीम पैनाक्सिस पी वाई फोर बच्चों ये वाई का ऊपर फार्मूला बनाए थे तुम बोलो बनाए थे अब एक्स के वेलो यहाँ पे पी वाई फोर पुट कर डालो पुट करके वाई निकालो तो वाई कितना आया पी वाई फोर एक्स पी वाई फोर था वाई भी पी वाई फोर निकाले हो तो इससे क्या प्रूफ करे हो एक्स इक्वल्स वाई दैट इज पी वाई फोर सो व्हाट शुड बी जोमेटिकल सेप जब बच्चों लेंथ और ब्रेड इक्वल हो गया तो रेक्टेंगल का जोमेटिकल सेप क्या मानोगे स्क्वायर मानोगे यही ना इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि गिवेन पेरीमीटर का एक रेक्टेंगल अगर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए तो उसका जो बाउंडेड एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा तो एरिया को मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए पल एक्स निकाले हो और एक्स को पुट करके वाई निकाले हो और प्रूफ करे हो कि एरिया को मैक्सिमाइज होने के लिए गिवन पेरीमीटर के लिए एक्स और वाई इक्वल होना चाहिए मतलब जो जॉमेटिकल सेप आएगा वो स्क्वायर होगा और सी पे स्क्वायर होगा तो बाउंडेड एरिया मैक्सिमम होगा फॉर गिवेन पेरीमीटर देखो ऐसे क्वेश्चन करते हैं हमने तो प्यारे बच्चों मैंने आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए मतलब जो फिजिक्स आपको ये समझाने की कोशिश किया गया कि आखिर डिफ्रेंशियल कैलकुलस फिज़िक्स में यूज कैसे होता है वैसे क्वेश्चन बना के आपको बताए गए मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटीग्रेशन तो अगले एपिसोड में मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाने जा रहा हूँ और ये टॉपिक जो लोग कैलकुलस आज तक नहीं पढ़े हैं मगर फिजिक्स सीखना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड होगा इंटीग्रेशन को भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना डिफ्रेंसीन को जानना जरूरी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले एपिसोड में आप मेरे साथ यूं ही बने रहोगे और इंटीग्रेशन भी बहुत ध्यान से सीखोगे और मुझसे फ़ायदा उठाओगे उसके बाद देखोगे तुमको फेस बहुत तेजी लगना शुरू हो जाएगा सो so, प्यारे बच्चों इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच गुड डे सी यू अगेन